मॉर्निंग आज हम लोग हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना पढ़ेंगे प्रेमचंद के उपेक्षित हाल ही में हमने इसको पढ़ा था लेकिन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हरिशंकर परसाई एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं रहे हैं उनकी रचनाएं आज भी इतने ही चाव से पढ़ी जाती है। इनके बारे में कहा जाता है कि व्यंग्य को इन्होंने इस तरह से पेश किया कि सब लोग इसको रुचि लेकर पढ़ने लगे। इन्होंने उसको इतना सुंदर बनाया इतना रुचिकर बनाया ये जन जन तक पहुँचा। व्यंग्यों के माध्यम से ये जो सरकारी तंत्र है उसमें फैला भ्रष्टाचार है जो समाज की कुरीतियाँ हैं इन सब पर प्रहार करते रहे और उसने इनको सफलता प्राप्त की। वो जहाँ पहुँचाना चाहते थे अपनी बात को वहाँ बातें उनकी पहुँच गई। तो इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में। नागपुर से इन्होंने एमए किया और कुछ दिनों तक पढ़ाया। 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना की। 1995 में उनका निधन हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन के लिए ये कहानी संग्रह है। रानी नागखन की कहानी तट की कोट ये उपन्यास है। तब की बात और थी भूत के पाँव पीछे बेईमानी की परत पगडंडियों का जमाना सदाचार का ताबीज शिकायत मुझे भी है और अंत में ये निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन तिरछी रेखाएं के टूटा हुआ गणतंत्र विकलांग श्रद्धा का दौर ये व्यंग्य संग्रह है। उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड भ्रष्टाचार अंतर विरोध बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखकों को ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। जो शोषण चलता है समाज में जो बड़े अपने छोटों के साथ जो व्यवहार करते हैं जो उनका शोषण करते हैं उनके साथ अत्याचार करते हैं उन सबका इन्होंने उनके विरोध में इन्होंने साहित्य की जो भूमिका होनी चाहिए उसका निर्वाह किया उसको इन्होंने निभाया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। इनका जो व्यंग्य लेखन है वह एक समाज में परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। आपको प्रेरणा देता है कि परिवर्तन होना चाहिए। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक पाठक पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। इन्होंने जो व्यंग्य लिखे उसे एक स्टैंडर्ड का निर्माण हुआ एक मानक का निर्माण हुआ कि व्यंग्य ऐसे होने चाहिए। परसाई भी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। भाषा उनकी बोलचाल की ही होती है लेकिन उसकी जो संरचना होती है उसकी जो बनावट होती है वो ऐसी होती है जिससे उसकी जो मारक क्षमता है उसकी जो पहुँच है वो बहुत बढ़ जाती है। मेरे पास एक किताब भी है भी था ये निबंधों की दुनिया करके एक किताब है आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या है। मैं
मेरे जेब कट के नाम, जेब कट बोलते हैं, जेब कटरा जो जेब काट लेता है, जो पैसे वगैरह चुरा लेता है पॉकेट से उसको। तो उन्होंने लिखा, प्यारे भाई तूने भोपाल स्टेशन पर रेल के डिब्बे के भीतर 10 आदमियों के बीच मेरी जेब काट ली, आशा है तू मुझे भूला नहीं होगा, जेब में 175 रुपये थे, गिन लेना, अगर 10-5 कम हो तो अगली बार मैं पूरे कर दूँगा। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे मन में तो यह रहे कि 175 रुपये गए और तेरे हाथ से 170 रुपये पड़े। अब ये जेब कतरे को पत्र लिख रहे हैं कि उसमें 175 रुपये थे, गिन लेना, और अगर कम हो तो बता देना, अगली बार पूरे कर देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं सोचूं कि मेरे 175 गए और तुमको 170 गए। यह पैसे की बात नहीं है, 10-5 इधर उधर हुए तो क्या फर्क पड़ता है, बात भावना की है, भावनात्मक बेईमानी मैंने कभी नहीं की, कह रहे हैं कि बात भावना की है और भावनात्मक बेईमानी मैंने कभी नहीं की कि मैं ये सोचूं और तुमको ये मिले। दोस्त तूने मेरा बड़ा उपकार किया, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तो मानव देह मिलती है, मनुष्य का जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और जेब काटने का गौरव सिर्फ मनुष्य को विधाता ने दिया है, कुत्ते की जेब नहीं कटी। बोला कि जेब तो मनुष्यों की ही होती है और ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इसमें यह जो गौरव है कि जेब मेरी कट गई, यह सिर्फ मनुष्यों को ही हासिल है, किसी जानवर की तो जेब होती नहीं है कि उसका कटेगा या किसी पक्षी की। तो तूने बड़ा उपकार किया है, मगर यह आदमी भी कितना अभागा है जिसकी एक बार की जेब न कटे, मगर वह आदमी भी कितना अभागा है जिसकी एक बार की जेब न कटे, वो रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता जिसकी एक बार की जेब नहीं कटी। ऐसी बेमानी जिंदगी जी जाए कि उस पर जेब कट का भी ध्यान न जाए, जिंदगी इतनी बेकार की हो कि उस पर जेब कटने का भी ध्यान न जाए, क्योंकि ये बेकार है। मैं आत्मग्लानि से पीड़ित था, उम्र बढ़ रही है, न जाने कब पूछ का डंका बच जाए, बिना जेब कटे उस लोक में किस मुँह से जाऊँगा, प्यारे मैं तो खुद जेब कट की तलाश में था, मतलब जीवन मेरा बीतता चला जा रहा था, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, ऐसे में एक बार भी जेब नहीं कटी इसकी ग्लानि मुझे हो रही है, तो मैं किस मुँह से जाऊँगा उस लोक में, तो मैं तो खुद ही इंतजार कर रहा था कोई मेरी जेब काटे। तूने उतनी परेशानी फालतू उठाई, तू मुझसे कह देता कि मैं जेब कटूँ तो मैं खुद ही कर रहा कि मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ, ले मेहरबानी करके मेरी जेब काट ले, मेरा जीवन सार्थक है। दोस्त वर्तमान सभ्यता जेब कटी की सभ्यता है, अब देखिए अब इसमें व्यंग आ रहा है, वर्तमान सभ्यता जेब कटी की सभ्यता है, हर आदमी दूसरे की जेब काट रहा है, इस सभ्यता में अपनी जेब बचाने का तरीका यह है कि दूसरे की जेब काट दो, तभी तुम्हारी जेब बचेगी, सिर्फ उसकी जेब सुरक्षित है जो दूसरे की जेब पर नजर रखता है, मेरी जेब इसलिए कटी कि मैं अपनी जेब पर ही ध्यान देता, अगर मैं पास की बर्थ के सेठ की जेब पर ध्यान देता तो मेरी जेब कभी नहीं कटती। मतलब आप जिस को पकड़ कर रखते हैं उसी के जाने का दुख हो सकता है या वहीं जा सकता है, अगर आप उस पर ध्यान ना देकर दूसरे की हड़पने के चक्कर में रहें तो आपका अपना नहीं जाएगा, ये समाज पर एक व्यंग कर रहे हैं कि ऐसा होता है। दोस्त तेरा मेरा धंधा एक है, मैं भी जेब कट हूँ, मैं लोगों की जेब में रखे अनुभव निकाल कर लिखता हूँ, कह रहे हैं कि हम दोनों एक ही काम करते हैं, तुम पैसे निकालते हो लोगों की जेब से, मैं उनसे अनुभव लेकर के लिखता हूँ, क्योंकि मैं लेखक हूँ, अनुभवों से भरी कई जेबें मैंने काटी है, तूने मुझे जेब कट की जेब काटी। विचार की बात यह है कि नाई से बाल कटाई के पैसे नहीं देता तो क्या एक जेब कट को दूसरे जेब कट की जेब काटनी चाहिए, जैसे एक नाई एक हजाम दूसरे हजाम से पैसे नहीं लेता है उसके बाल काटने के, सेम प्रोफेशन का ये, क्या एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से भी नहीं लेता, तो क्या इस हिसाब से एक जेब कट को दूसरे जेब कट की जेब काटनी चाहिए, ये कह रहे हैं कि मैं तो लोगों के अनुभव चुराता हूँ और लिखता हूँ, तुमने मेरे पैसे चुराए, एक धंधे वालों में जो नैतिकता होती है उसका पालन तुझसे हुआ या नहीं यह सोचना तेरा काम, अब ये तुम्हारा काम है सोचना, एक सेम
प्रोफेशन वाले एक ही धंधे वाले के बीच जो नैतिकता होती है, जो एक मर्यादा होती है, उसका तुमने पालन किया चाहिए। तुम सुनो, मैं तो कृतार्थ हूँ कि तूने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। मैंने कभी लिखा था कि आदमी कचहरी जाने वाला जानवर है, आज कहता हूँ आदमी वह जानवर है जिसकी जेब कटती है। कभी लिखा था इन्होंने कि आदमी कचहरी जाने वाला जानवर है, मतलब उसको कचहरी जाना है आना है। आज मैं लिखता हूँ कि आदमी जेब कटने वाला जानवर है। अगर मगर यार इतने लोगों में तूने मुझसे मुझे कैसे छांट लिया। मैं बार बार अपनी जैकेट की उस जेब को टटोलता था जिसमें नोट रखे थे। बात यह है कि मैं टुच्चा आदमी, लोग तो हजारों रुपए जेब में रखे रहते हैं और ध्यान नहीं देते, पर मैं 150 रुपये लेकर चलता हूँ तो भी टटोलता रहता हूँ। तूने तार लिया होगा कि मैं ऊंचा आदमी हूँ, जिसे रुपये लेकर चलने का अभ्यास नहीं है। आप देखेंगे कि जब बड़ी मुश्किल से आपको कोई पैसा मिला है, पॉकेट में रखा है, तो उसको हमेशा देखते रहते, कहीं जेब तो नहीं गया। लेकिन जिसके पास हरदम पैसे होते हैं वो नहीं देखता। तो वही कह रहे हैं कि मैं उसको बार बार टटोल रहा था कोर्ट की जेब को, पैसे रखे थे कि वो है कि, तो तूने समझ लिया होगा कि मुझे पैसे लेकर चलने का अभ्यास नहीं है, और तुमको पता चल गया होगा कि उसी जेब में पैसे। या तूने मुझे कोई मालदार आदमी समझ लिया होगा, इधर कुछ मोटा हो गया हो, कुछ मोटे हो गए थे तो इसके कारण हो सकता है जेब कटरे ने उनको मालदार आदमी समझ लिया होगा। जैकेट पहन लेता हूँ तो किराने का व्यापारी लगता हूँ, शरीर ने धोखा दे दिया। पिछले साल मेरे पास दो तगड़े कसरत जवान आए, बोले हमारी व्यायामशाला का वार्षिकोत्सव है, उसमें आप प्रमुख अतिथि हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अब इनका जो शरीर थोड़ा मोटा हो गया था उससे जेब कतरा धोखा खा गया है। अब उसके लिए वो एक उदाहरण भी दे रहे हैं कि पिछले साल दो मुस्टंडे जवान आए, बोले कि हमारी जिम व्यायामशाला यानी जिम का उद्घाटन है, वार्षिकोत्सव है, उसमें आप प्रमुख अतिथि हैं। उनके देह दशा को देख करके उसने कहा। मैं बड़े पसोपेश में पड़ा, इन लोगों ने मुझे क्या समझ लिया है, लेखक और व्यायामशाला, लेखक और व्यायामशाला। मैं अगर मरियल लेखक होता तो क्या ये मुझे मुख्य अतिथि बनाते, अगर दुबले पतले होते तो क्या ये मुख्य अतिथि बनाते। मैं कुर्ते की आस्तीन चढ़ाकर लत पड़ जाती है उसकी जेब कटती है। तुझे तो याद होगा ही कि तूने डब्बे के उस कोने में
गांजा पिए लग रहा है। तूने कहा था इधर आओ इधर आओ, बर्थ नहीं मिलता, सीट नहीं मिलता, हम परदेसी आदमी, तेरा यह दाव चला नहीं, तू मुझे अलग ले जाकर लूटना चाहता था। पर पगले, उसमें छीना झपटी होती, हो सकता था तू गिरफ्तार हो जाता। मैंने यह खतरा देख लिया था, इसलिए मैं सीट से उठा नहीं और कहा कंडक्टर से बात करो। तब तू मेरे पास आ गया और अपने हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। तूने मेरी आंखों में भरपूर देखा, मैंने तेरी आंखों में देखा, तुझे लगा ही नहीं कि तू जेबकट है। अगर मैं समझ जाता, मुझे लगा ही नहीं कि तू जेबकट है, अगर मैं समझ जाता तू जेबकट है तो तुझे गले लगा। मैं समझा तू या तो पागल है या नशे में है, लिहाजा मैं आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। तय किया कि तूने गड़बड़ की तो मैं तुझे मारूंगा, एक घूसा नाक पर, एक जबड़े पर और एक लात पेट पर। बड़ा ऊंचा कलाकार है, तूने मेरा ध्यान जेब से किस चतुराई से हटा दिया। वाह, अब लेखक का ध्यान भटक गया, ये उसको नशेड़ी या पागल समझ करके उसको मारने का प्लानिंग करने लगे, योजना बनाने लगे कि नाक पर एक घूसा देना है, एक जबड़े पर और एक लात पेट पर देना है। उनका ध्यान जेब से हट गया। इसी क्षण तेरा साथी मेरे बाएं तरफ से आया, उसने मेरे कान के पास मुंह लगाकर कहा, ये ईरानी है, अपनी भाषा नहीं समझता। और उसने मेरी जेब से वह लिफाफा निकाल लिया जिसमें नोट रखे। प्यारे, मैं न घड़ी बांधता न बटुआ रखता, कार्य अनंत है, बार बार घड़ी क्या देखना। मैं लेखक हूँ, जिस प्रकाशन प्रतिष्ठान के रुपये होते हैं उसी के लिफाफे में मैं रख लेता हूँ। कभी भी इस प्रतिष्ठान का पैसा उस प्रतिष्ठान के लिफाफे में नहीं रखता, मतलब जो जिस पैसा देता है जिस मन का उसको उसी में रखता हूँ, इसका पैसा उसमें नहीं रखता हूँ। आदमी को लिफाफे के बारे में बहुत सावधान होना चाहिए, लिफाफा दुरुस्त है तो सब ठीक है। फिर पूंजीवाद के अंतर विरोध को मैं जानता हूँ, एक प्रकाशक का पैसा दूसरे के लिफाफे में रखूँ तो हो सकता है लिफाफे रुपयों को ली जाए, यानी बड़ा प्रकाशक छोटे प्रकाशक को ली जाए, खा जाए। कहा जाता है कि पैसा पैसे को खींचता है, मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना होता है। दोस्त, यह सब घटना मैंने इटारसी के बाद जोड़ी। इटारसी तक मुझे पता नहीं था कि मेरा पैसा निकल गया। इटारसी में मैंने टटोला तो पाया लिफाफा गायब है। तब मुझे समझ आया कि तू देवकट था। दो स्टेशन मैंने दुख मनाया, अगले दो स्टेशन तक मैंने दुख मनाया। फिर सोचा पैसे भी खोए और दुख भी खोऊँ, मैं कैसा बेवकूफ हूँ, मैं चैन से सो गया। एक तो पैसा चला गया, ऊपर से मैं दुख भी खोऊँ उसका शोक मना कर, तो मैं चैन से सो गया। तू यह सब पढ़कर शायद दुखी होगा। नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं भाई, मैं भी जेब काटने का उस्ताद हूँ। हाँ, तरीका दूसरा है। तूने मेरी जेब काटी तो मैंने महावीर स्वामी की जेब काटी। महावीर जयंती पर भाषण देकर मैंने कुछ ज़्यादा ही रुपये कमा लिए। तू अपने मन से क्लानी निकाल दे, तूने मेरा उपकार ही किया है। मेरी जेब कट गई यह जानकर दोस्तों ने मेरे लिए रुपये का इंतजाम कर दिया। अब तूने काट लिया तो लोगों ने जाना, दोस्तों ने जाना तो उन्होंने मेरे लिए रुपयों का इंतजाम कर दिया। तू 175 रुपये ले गया था ना, मैंने 500 रुपये कमा लिए। 200 रुपये तो महावीर स्वामी की जेब काटने के लिए महावीर जयंती पर उन्होंने भाषण दिया, और 300 रुपये दो दोस्तों ने मिलकर दे दिए। अब तू हिसाब कर, तेरे हाथ कुल 175 लगे, मेरे 175 गए पर 500 मिले, यानी इस पूरे मामले में मैं 325 रुपये के फायदे में रहा। अब तू बता, तू बड़ा जेबकट है या मैं? दोस्त, क्या क्या योजनाएं बनाई थी। मित्रों ने कहा अखबार में विज्ञप्ति दे देते हैं कि परसाई जी की जेब कट गई है, इसलिए उनका हर मित्र उन्हें 1 रुपया दे दे। अब ये योजना बनाई गई, मैंने इसे नामंजूर कर दिया। कहा यारों, मुझे जिंदा रहने दो, अगर रुपया नहीं आए तो लगेगा मैं इस भ्रम में जिंदा था कि मेरे दोस्त हैं। भ्रम टूटने से आदमी मर जाता है, कहने का मतलब कि अगर किसी ने नहीं दिया या कम लोगों ने दिया तो मुझे भ्रम मेरा टूट जाएगा कि मेरे एक नहीं दोस्त हैं, तो इस भ्रम को जिंदा रहने दो और मुझे जीने दो। तब मित्रों ने कहा अच्छा, तो फिर तुम्हारी फोटो छाप कर उसके नीचे लिख दें, इस आदमी की जेब कट गई है, या जिस किसी को मिले इसे 1 रुपया दे दें। तो तुम्हारी फोटो लगा देते हैं अखबार में और लिख देते हैं कि इसकी जेब कट गई है, जो भी इसको देखे इसको 1 रुपया दे दे। यह योजना भी मुझे पसंद नहीं आई। तब मित्रों ने कहा अच्छा, गुमशुदा की तलाश शीर्षक के नीचे छपवाते हैं, प्रिय परसाई तुम सिर्फ 125 रुपयों के कारण कहीं छिप गए, लोग करोड़ों रुपयों की कालिक से तुम्हारा चेहरा नहीं छिपाते, तुम जहाँ कहीं भी हो चले आओ, 125 रुपयों का प्रबंध तुम्हारे दोस्त कर देंगे। ये मित्रों ने कहा। मेरे प्यारे जेबकट दोस्त,
जेब काटने के मामले में मैं तेरा चाचा होता हूँ, इस जेब कटी का उपयोग करता तो हजारों कमा सकता था इन विधियों से। भोपाल में मेरे अभी दोस्त रहते हैं, वहीं जेब कटने से उनका भी इम्तिहान लगे हाथों हो गया। कौन कौन मेरे सच्चे दोस्त हैं प्यारे, आगे जब भी तू तो मेरी जेब काटे तो बताकर काटना, हम मिलकर वह योजना बनाएंगे कि दोनों मालदार हो जाए। आशा है तू मेरे दम पर अभी तो सुखी होगा, यानी मेरे जेब से काटे गए पैसों के दम पर अभी तो सुखी होगा। तो ये हरिशंकर परसाई जी की रचना थी। फिर कभी और भी सुनाऊंगा, इसमें बहुत सारे हैं, तो आप लोग इसका आनंद लें। बाकी हम लोग कल फिर पाठ की चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।